राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि नरेला इलाके में बीती रात को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें स्पेशल सेल ने फायरिंग के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली मार दी। उत्तरी बाहरी दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस को सूचना मिली थी कि सुमित नाम का बदमाश नरेला इलाके में आने वाला है, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस की स्पेशल टीम ने जाल बिछाया हुआ था। सूचना के अनुसार जैसे ही सुमित नाम का बदमाश बाइक पर सवार इलाके में आया तो पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, जिसके बाद बदमाश ने पुलिस पर 12 राउंड की फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मार दी। ये हमारा पेशेंट आया है सुमित नाम से, ये पुलिस एनकाउंटर फायरिंग में इसके पैर पे गोली लगी है। कहाँ से आया सर और कितनी गोलियां लगी हैं? ये सापुर के पास बता रहे हैं एनकाउंटर हुआ है और एक गोली लगी है पैर में। हालत कैसी है सर उसकी? पेशेंट अभी स्टेबल है, ट्रीटमेंट चल रहा है, अंडर ट्रीटमेंट। फिलहाल घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। नवोदय टाइम्स के लिए प्रभाकर राणा की रिपोर्ट, दिल्ली।